तो फिर हाँ भाई, आज सुबह सुबह मुझे भी नोटिफिकेशन आई कि ड्रैगन राजा अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। तो फिर मैं गया, वो गेम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। गेम की ग्राफिक्स बहुत ही कमाल की है, और इस गेम की ग्राफिक्स मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ, पूरा जो गेम प्ले वगैरह है। और ये पूरा स्टोरी बेस्ड गेम है, इसकी स्टोरी बहुत ही सुपर है। आप चाहे तो ऑफिशियली भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कुछ लंबा लिखा था। तो फिर चलो यार, एक बार प्ले स्टोर पे भी देख लेते हैं कि इस गेम का क्या है फिलहाल, हाल चाल क्या चालू है। तो फिर जब आप सर्च करोगे तो ये ड्रैगन राजा सी जो पहला गेम है वही आ जाएगा। अगर आपने प्री रजिस्टर करके रखा है तो ठीक है, अगर नहीं करके रखा तो भी शायद से आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा गेम है। आप जैसे देख सकते हैं नीचे, बिल्कुल सही से उसी तरह की ग्राफिक्स है इस गेम में, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और आप देख सकते हैं डाउनलोड्स एक ही दिन में 100K+ हो चुके हैं, और इसकी जो रेटिंग है वो 12+ है, मतलब 12 ईयर के ऊपर के बच्चे खेल सकते हैं। और 1.5 GB की इसकी साइज़ है, आपको पता ही होगा। और अब चलते हैं इसके अबाउट सेक्शन में। तो फिर इन्होंने बहुत ही लंबा कुछ तो भी लिख के रखा है, शायद से पूरी स्टोरी इसमें दे दी होगी। तो फिर जितने भी लोग मरते हैं स्टोरी बेस्ड गेम के लिए, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट गेम है, बहुत ही सुपर। और मुझे इसकी एक बात अच्छी लगी कि ये लो एंड डिवाइसेस में भी अच्छे से वर्क करता है। देखो इसमें ये नीचे दिख रहा है सिस्टम वर्जन, आपको एंड्रॉयड 5.0 और उसके ऊपर के लगेंगे। रैम कम से कम 2 GB चाहिए, और फ्री स्पेस चाहिए आपको कम से कम 6 GB, इतनी ज़्यादा नहीं हुई तो भी चलेगा, निशात से बाद में बढ़ जाइए, मुझे पूरी तरह से गारंटी नहीं है। और आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि एक ही दिन में, जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। गेम की साइज़ 1.52 GB है, और इस गेम में 95 रुपीज़ से 9,100 रुपीज़ तक के आइटम्स जो है वो हम परचेस कर सकते हैं। और ये गेम रिलीज़ हुआ है आज ही। क्या भाई, ये 26 को रिलीज़ हुआ और मुझे नोटिफिकेशन आई कंप्लीट 24 आवर्स के बाद? भाई ये क्या नाइंसाफ़ी चल रही है यार। ये वीडियो जो है वो मैं 27 को बना रहा हूँ और 28 को ये रिलीज़ होगा, लेकिन गेम तो 26 को ही रिलीज़ होके भाग गया। मतलब कि इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बनाऊँगा, ये अपलोड करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टोरी बेस्ड गेम है, मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई इसे डाउनलोड करे और खेले। और अगर आपका डिवाइस ज़्यादा कैपेबल नहीं है तो भी आप मीडियम रिजोल्यूशन पे खेल सकते हैं। ये इस गेम की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत ही सुपर गेम है, आप सभी को खेलना चाहिए। और ये जो है वो कुछ थोड़ा सा मैंने गेम प्ले आपको दिखा दिया है इसका, तो फिर ये अच्छा है, कंट्रोलिंग भी इसकी अच्छी है, गेम बिल्कुल भी लैग नहीं मारता, और ये ऑनलाइन गेम है इसलिए आपको इंटरनेट कनेक्शन तो अच्छा चाहिए इसके लिए। मोबाइल अगर इतना अच्छा ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन इंटरनेट स्पीड थोड़ी बहुत तो अच्छी चाहिए। ये थोड़ा सा RPG टाइप का गेम है, और मैंने ऐसा शायद से पहला RPG टाइप का गेम देखा जिसमें स्टोरी लाइन भी है अच्छी सी, और सच में कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी स्टोरी लाइन। आप यहाँ पे फाइटिंग स्टाइल भी देख रहे हो कितनी अच्छी है, और कंट्रोल्स भी हमें बहुत से मिल जाते हैं, और डिफरेंट अटैक मिलते हैं बहुत सारे। तो फिर मुझे तो ये गेम बहुत ही अच्छा लगा, और इस गेम में अब और कुछ नहीं है तो फिर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाऊंगा नहीं, वरना आप बहुत ही बोर हो जाओगे। और मैं एक बात बताना भूल गया कि जब आप साइन इन करने के लिए जाओगे तो शायद से साइन इन हो या फिर ना हो, क्योंकि सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है फ़िलहाल। तो फिर चलो, अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कल या फिर परसों, तो फिर उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए, वो भी बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तब तक के लिए बाय। For him a while longer.